तो गाइस आज के डेट में इंस्टाग्राम पर ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जिस पे गाइस शॉर्ट वीडियो भी है, इंटरटेनमेंट भी है और बड़े बड़े क्रिएटर भी है। तो गाइस आज की वीडियो में आपको यही कुछ टिप्स बताने वाला हूँ जिसके जरिए आप अपने इंस्टाग्राम को ग्रो कर सकते हो। वो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो हे गाइस, दिस इज गौरव एंड यू राइट नाउ वॉचिंग इन अनदर वीडियोज। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना बिना वीडियो को स्किप किए, जिसमें गाइस आपको पूरा एकदम पता चलने वाला है आप किस तरह से अपने फॉलोअर्स को इंक्रीज कर सकते हो। तो गाइस इंस्टाग्राम पर ग्रो करने के लिए तो आपको पहले ये ध्यान में रखना होगा, आप जब भी फोटो या वीडियो को अपलोड करते हो तो आपका फ़ोटो या वीडियो की क्वालिटी कैसी होती है। अगर आपकी फ़ोटो या वीडियो की क्वालिटी अगर थोड़ी सी ज़्यादा नाजुक है, बोले तो कम है, तो उसको आपको इंक्रीज़ करना होगा। तो आपको इंस्टाग्राम में ऐसे बहुत चीज़ दी हुई है जिससे आप अपने फ़ोटो और वीडियो को अच्छी तरह से कस्टम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको जैसा कि दिख रहा होगा आपको साइड में शार्प करने से ये होता है कि अगर आपका कोई बंदा फ़ोटो को जूम करके भी देखता है तो वो ब्लर ना होकर के आपका भी शार्प बोले तो अच्छा दिखाई देता है, तो आप इसका यूज कर सकते हो। और सेकेंड चीज़ गाइज, अगर आप कोई वीडियो को अपलोड करते समय आप कोई भी हैशटैग यूज़ नहीं करते हो। मैं भी खुद नहीं कर रहा था, बट जब मेरे को पता चला तो हर एक के फ़ोटो के साथ मैं हैशटैग यूज़ करता हूँ, क्योंकि यार मैं एक स्मार्टफोन यूज़र हूँ, स्मार्टफोन से ही फ़ोटो क्लिक करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। अभी आप जब वीडियो देख रहे हो वो भी एक स्मार्टफोन से ही रिकॉर्ड हो रही है, तो मैं एक स्मार्टफोन यूज़र हूँ, तो यहाँ पर मैं हैशटैग मोबाइल फ़ोटोग्राफी का यूज़ करता हूँ एनी टाइम। तो आप इसका यूज कर सकते हो। और हैशटैग आपको कहाँ से मिलेगा ये मैं आपके लिए मैं एक ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप यहाँ पर साइड में देख सकते हो, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जा करके डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको कई तरह का हैशटैग मिल जाएगा, नेचर हैशटैग मिल जाएगा, आपको जो भी हैशटैग आप चाहिए वहाँ आपको मिल जाएगा। तो आप हैशटैग का यूज़ करो, 100% आपके फॉलोअर इंक्रीज होंगे। अब चलते हैं गाइस थर्ड टिप्स की ओर। तो थर्ड टिप्स ये है कि आप जब भी वीडियो को अपलोड करते हो आप रील्स का यूज नहीं कर रहे हो, तो रील्स का यूज करने से ये होगा आपके जो फॉलोअर है, फॉलोअर बोले तो जो आने वाले हैं, आपके रील्स को देख करके, आपके क्रिएटिविटी को देख करके आपको फॉलो करेंगे। अगर आप जैसा तैसा वीडियो डालते हो अपने इंस्टाग्राम पर तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप अगर दूसरे की वीडियो को अपलोड करते हो तो उससे भी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप अपनी खुद की वीडियो को बनाओ, अपने फेस से फेम बनाओ, दूसरे के फेस फेम बनाने से कोई फ़ायदा होता नहीं है। वो आपको सिर्फ देखे तो वो सिर्फ आपको देखेंगे बट फॉलो नहीं करेंगे, तो इसलिए अपना रील्स बनाओ, अपना वीडियो बनाओ और अपलोड करो। तो बस यही तीन टिप्स थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, गुड बाय। सो इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लेना। सो